मंत्री अमित शाह राजस्थान चुनाव पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। राय देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव धाणी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ने हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। 2014 और 19 दोनों चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देकर मोदी जी के प्रति अपना विश्वास हमेशा राजस्थान की जनता ने प्रकट किया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। मैंने कई बार आम सभाओं में कांग्रेस से सवाल किया मगर मुझे जवाब नहीं मिला कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी 10 साल तक 2004 से 14, तब आपने राजस्थान के लिए क्या किया। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि ग्रांट इन एड और डिवेल्यूशन फंड का अगर टोटल करें तो 2004 से 14 तक 2,00,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया था, मतलब 10 साल में 2,00,000 करोड़ रुपया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2,00,000 करोड़ के सामने 9 साल में 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया है, लगभग लगभग 4.5 गुना। और इसके साथ साथ 7,00,000 करोड़ के और काम जो केंद्रीय प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे नेशनल हाईवेज हैं, रेलवे के रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन है, नई रेलवे लाइन बिछानी है, 6,000 करोड़ के खर्चे से कोटा में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाना है, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ हवाई अड्डे शुरू करना हो, बीकानेर में 1,000 मेगावाट का सौर पार्क, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क, बडला सोलर पार्क फेज 3, 5,000 मेगावाट और लगभग लगभग 5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, नल से जल, आयुष्मान भारत योजना, शौचालय, मुफ्त अनाज, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट हमने पहुंचाए। राजस्थान सरकार ने 5 साल में सबसे खराब स्थिति अगर किसकी रही है तो महिलाओं की रही है, दलितों की रही है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के ढेर सारे मामले राजस्थान में अब देखने को मिलते हैं और गहलोत सरकार में तुष्टिकरण की राजनीति चरम सीमा पर। ये 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नोहर, मेवात, मालपुरा
जयपुर सुनियोजित दंगे हुए, दंगाइयों पर कोई कठोर कार्यवाही राजस्थान सरकार की ओर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुई। और उदयपुर में कन्हैयालाल तेली, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, जयपुर में मनु वैष्णव, बांसवाड़ा में गौरांग भट्ट, ढेर सारे नृशंस हत्या के केस भी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कोई प्रकार की कानूनी कठोर कानूनी कार्यवाही के बगैर लटके हुए नजर आते हैं। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाया, अलवर में शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ दिया, कठुमर में गौशाला पर बुलडोजर घुमा दिया, ऐसे कई सारे तुष्टिकरण के विकृत मामले राजस्थान सरकार से देखने को मिले हैं। महिलाओं पर दुष्कर्म की बात करें तो 5 साल में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं। 35,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई, 15,000 से ज्यादा कम वय की बच्चियों पर दुष्कर्म की घटनाएं हुई और प्रतिदिन 19 बलात्कार के मामले राजस्थान में सामने आए हैं। देश भर के जो बलात्कार के मामले हैं उसमें से राजस्थान में 22% बलात्कार के मामले हैं, और यहां तक कि अब दरोगा भी बलात्कार के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं। फिर भी अशोक गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं हिलता है। ये महिलाओं का गुस्सा हम जहां जहां गए वहां हमें दिखाई पड़ा है, और महिलाएं एकजुट होकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर में आती हैं। कांग्रेस की भ्रष्टाचार, लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहां तक कि सचिवालय में 2,35,00,000 और 1 किलो सोना, पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2,35,00,000 कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं बदली थी, आराम से वो जवाब दे रहे थे। मैंने भ्रष्टाचार के प्रति इतना ठंडा रुख किसी का नहीं देखा है। कोई महंत को अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है, मगर आज भी वो क्षेत्र के अंदर अवैध खनन खुले आम चल रहा है। मित्रों, कई सारे जल जीवन विभाग, मिशन खनन विभाग, उदय सागर झील, प्रतापगढ़ की मार्बल की खान, काली सिंह डैम, गरीबों के राशन के अंदर घपला, ढेर सारे घपले घोटाले के मामले सामने आए हैं। किसानों का हाल भी बेहाल है। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर आई हुई गहलोत सरकार 5% किसानों का कर्ज भी 5 साल में माफ नहीं कर पाई।